गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? इट इज पोलैरिटी इंड्यूज इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड। ये पोलैरिटी इंड्यूज इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट पोलर बॉन्ड इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे ये कोई बॉन्ड है, ये कोई का कंपाउंड है जिसमें यहाँ पर ये कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हमने Cl ले लिया, ओके। तो ये Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी कि बांड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने का मतलब होता है कि बांड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें पार्शियल निगेटिव आ गया, ठीक है, एज कम्पेयर टू इसमें पार्शियल पॉजिटिव है। अब ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, ठीक है, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, इस तरह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, फिर इधर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये इसके खींचेगा। ऐसे ऐसे डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जो है ये इफेक्ट डिक्रीज होता जाता है। तो पोलैरिटी इंड्यूस्ड, ये पोलैरिटी इंड्यूस्ड है, पोलैरिटी यहाँ भी इंड्यूज हो रही है, यहाँ भी पोलैरिटी इंड्यूज होगी। पोलैरिटी इंड्यूज इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड, ये सब नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड है। पोलैरिटी इंड्यूज इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड, जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में, सॉरी सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो नॉन पोलर बॉन्ड होता है। नॉन पोलर बॉन्ड यहाँ पर है, नॉन पोलर बॉन्ड यहाँ पर, नॉन पोलर बॉन्ड यहाँ पर यहाँ पे पोलर है। पोलैरिटी इंड्यूज इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। ये पोलर बॉन्ड के कारण जो पोलैरिटी इंड्यूज हो रही है इन सब में, उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। अब दोस्तों, इंडक्टिव इफेक्ट जो है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये परमानेंट इफेक्ट है। सबसे पहला ये है कि कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। इट इज ऑपरेटेड थ्रू, इसके जरिए ऑपरेट होता है, ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के जरिए ऑपरेट होता है। इट इज ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तीसरी बात है, इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल कहीं नहीं छोड़ते, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में ही रहते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ने के साथ इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है। दोस्तों, एक खास बात और है इसमें कि ये केवल सैचुरेटेड कंपाउंड में देखा जाता है। सैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि आप समझ रहे होंगे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, तो उसमें यह देखा जाता है, ओके। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं, मैंने वैसे बताया आपको पांच। इलेक्ट्रॉन नेवर लीव देयर एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये देखा कहाँ जाता है, सीन इन सैचुरेटेड कंपाउंड। इन कंपाउंड में, सैचुरेटेड कंपाउंड में ये देखा जाता है। तो इसमें पांच बातें हुई, परमानेंट है, ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इसका मैग्नीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप हम लोग करेंगे कुछ इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेड विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस, दूरी बढ़ने के साथ इसका असर देख रहे हैं जो आप, वो घटता जाता है, वो कम होता जाता है। इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कभी नहीं छोड़ते, और ये सैचुरेटेड कंपाउंड में देखा जाता है, ओके। अब आइए चलिए देखते हैं इससे कितने टाइप होते हैं। इसका दोस्तों दो टाइप होते हैं, एक होता प्लस आई इफेक्ट, एक होता माइनस आई इफेक्ट। कैसे इसको हम समझ पाएंगे? लेट ए कंपाउंड, मान लीजिए कंपाउंड है, लेट ए कंपाउंड बी CH3Z, मान लीजिए कंपाउंड CH3Z है, ओके। इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ जेड इज मोर देन सी, अगर जेड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सी से ज्यादा है, ओके, अगर जेड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, वो सी से ज्यादा है, तो CH3Z इस तरह से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ इसके कंपेयर, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इसको बोला जाता है माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। क्या बोला जाएगा इसको? माइनस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। If electronegativity of Z is less than C, अगर ये C से कम है, तो CH3Z, ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तब इसको बोला जाएगा प्लस आई ग्रुप,
ये जो है ये कैसा होगा, ये ग्रुप प्लस आई ग्रुप होगा, ये जो इफेक्ट शो हो रहा है ये माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा है, पर ये जो ग्रुप रहेगा यहाँ पर वो कौन सा रहेगा, माइनस आई ग्रुप रहेगा। ओके, जिसको बोला जाएगा क्या, प्लस आई ग्रुप। ठीक है, यहाँ जो इफेक्ट शो हो रहा है वो प्लस आई इफेक्ट है और जो ग्रुप रहेगा वो प्लस आई ग्रुप होगा। और ये प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, प्लस आई ग्रुप में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि आप इसको बोलेंगे EDG। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, EWG। ठीक है, एक बार फिर से समझिए इसको, बहुत अच्छे से समझिए। मान लीजिए कोई कंपाउंड है H3Z, अगर जेड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो इस बांड के इलेक्ट्रॉन को जेड खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जैसा कि होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ओके, जब ये खींचेगा तो इस पर पार्शियल निगेटिव आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन निकाल लेने वाला ग्रुप। अच्छा, दूसरी तरफ अगर दूसरी सिचुएशन आती है जब जेड लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, ऐसे केस में सी कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तब ऐसे में जरूरत में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लस आई ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, इस इफेक्ट को प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब प्लस आई और माइनस आई कई ग्रुप होते हैं, जैसा कि आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रुप, ये सब माइनस आई का आर्डर है। ठीक है, ये आर्डर लिया गया है लॉजिकल अप्रोच टू मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जगदम्बा सिंह से। तो इसमें देखा जाएगा तो जैसे ये है NH3 है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन कमी है खींचेगा, ऐसे ये है इसके बगल वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस तरह से सारे आइटम ये माइनस आई वाले हैं, और जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं, टर्शियरी सबसे पावरफुल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और इसके बाद मेथिल है, फिर हाइड्रोजन, ये सब जो है इस ऑर्डर में प्लस आई ग्रुप होते हैं, इनको नोट कर लिया जाए। वैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के इसका सारा लेक्चर का मैं डिटेल में जो नोट्स है वो डिटेल में रहेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत डाउनलोड कर प्रिंट कर लीजिए या नोट कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी समझने में चीज़ों को। आइए और देखते हैं हम इससे संबंधित चीज़ें, क्यों हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, क्या इसका यूज है, चलिए देखते हैं इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला एप्लीकेशन है दोस्तों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है प्लस आई ग्रुप पे, और ये होती है 1/2 माइनस आई ग्रुप पे। ठीक है, इस तरह से होता है, ये डिपेंड करता है प्लस आई पे और इन्वर्सली माइनस आई ग्रुप के। जैसे ये है CH3 है, CH3 है, CH3 है, C+ है, CH3, CH3, PH, C+ है, PH, PH, CH3 और CH3+ है। आइए इन इसमें हम लोग आर्डर देखते हैं, इसमें हम समझते हैं कि कौन कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। ये यहाँ पर तीन प्लस आई ग्रुप लगे हैं, तीन प्लस आई, और प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्लस आई कौन से ग्रुप होते हैं, अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पर प्लस है, प्लस को कब स्टेबल होगा, प्लस जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी उसको खत्म करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, तीन प्लस आई है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर यहाँ पर दो प्लस आई है और यहाँ पर एक प्लस आई है, यहाँ पर कोई प्लस आई नहीं है, सिर्फ कार्बोकैटायन है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आप सेट करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब में क्या ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर कौन होगा, थर्ड होगा, फिर कौन होगा, फोर्थ होगा। ओके, ठीक, चलिए और अगले क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ये नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको ऑर्डर बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा।
सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ग्रुप लगे हैं वो कौन से हैं। ये माइनस आई ग्रुप है, ये वाला भी माइनस आई ग्रुप है, ये वाला भी माइनस आई ग्रुप है, मतलब सब एक ही ग्रुप है, फ्लोरीन है माइनस आई। अब क्या बेस होगा, किस आधार पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों इसमें आपको जाना होगा इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, दूरी बढ़ने के साथ उसका प्रभाव घटता है। ठीक, तो यहाँ माइनस आई इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, दो यहाँ भी पार्टिकल चार्ज क्रिएट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल चार्ज बढ़ाएगा, ऑलरेडी पार्टिकल चार्ज है तो इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, सबसे ज़्यादा डिक्रीज करेगा क्योंकि पास है, थोड़ा कम डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी को क्योंकि दूर है, सबसे कम इन तीनों में सबसे कम डिक्रीज करेगा इसमें, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी देखा जाए तो थर्ड है, फिर सेकंड है, फिर फर्स्ट है। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, जो असाइनमेंट मैंने वहाँ पर नीचे डाउनलोड कर दी कुछ इस तरह से दिखेगी, और वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें क्वेश्चन है, हर तरह के क्वेश्चन हैं। तो मैं वहाँ से एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, स्टेबिलिटी आप काबू के टाइम पर, इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सी माइनस सी एस थ्री 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 एच सी एस थ्री माइनस। तो दोस्तों कार्बो कटान की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, तो मैं बता नहीं आपको, माइनस आई पर डिपेंड करती है, वन अपॉन प्लस आई पे। वजह क्या है कि कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी बात कर रहा हूँ मैं, कार्बोडाइन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और माइनस आई क्या करता है, इसका जो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करके इसको स्टेबल करेगा। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि प्लस आई का उल्टा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लस आई है, फिर कम है, फिर कम है, ठीक है, इसके बाद है नहीं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया जाए अगर, ठीक है, तो आप तो समझते हैं ना कि प्लस आई क्या करता है, प्लस आई क्या करता है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज रिपल्सन को बढ़ाएगा, ठीक है, एक तरह से अगर आप बात करें तो, ठीक है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा क्योंकि ये माइनस दे रहा है ऑलरेडी, ये माइनस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और माइनस है यहाँ पे, तो इस तरह से सबसे कम जो है स्टेबल ये होगा, फिर इसके बाद ये है, फिर ये है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल लास्ट वाला है, यानी कि फोर्थ है, थर्ड है, सेकंड है, फर्स्ट है, ये ऑर्डर यहाँ पे सही है। ओके, इस क्वेश्चन में ये वाला ऑर्डर सही है। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी तरह का, इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। जैसे है ये क्वेश्चन सी एस टू सी एच एफ सी एस टू सी एस थ्री है, सी एस टू है माइनस सी एस टू है सी एच एफ है सी एस थ्री है, एक और क्वेश्चन है सी एस टू माइनस है सी एस टू सी एस टू सी एस टू एफ है। अब इसमें देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कौन सा ग्रुप है, फ्लोरीन माइनस आई ग्रुप है, और माइनस आई ग्रुप क्या करता है, स्टेबिलिटी को, इसकी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है, माइनस आई ग्रुप क्या करता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे बढ़ाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ मैग्नीट्यूड घटता है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ मैग्नीट्यूड क्या होता है, घटता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ये बढ़ाएगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, क्योंकि माइनस आई ग्रुप तो आप जानते हैं कौन होता है, माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, मतलब इसके जो माइनस है इसका मैग्नीट्यूड घटा करके इसको स्टेबल करेगा, सबसे ज़्यादा यहाँ करेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर है, फिर थोड़ा और दूर हो गया थोड़ा कम करेगा, और दूर हो गया तो और कम करेगा, यानी कि स्टेबल कौन सबसे ज़्यादा होगा, फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा। इसमें एक क्वेश्चन और दोस्तों मैं लिखता हूँ, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसमें सी एस टू सी एस टू एफ, यहाँ पे माइनस है सी एस टू माइनस सी एस टू ओ एच और सी एस टू माइनस सी एस टू ये एस टू। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर सीधा आपको माइनस आई का क्रम याद होना चाहिए, सिक्वेंस याद होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को करते समय। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, तो अगर आप माइनस आई का आर्डर देखेंगे तो कुछ इस तरह से पाएंगे,
ठीक है, इस तरह से आप ग्रुप्स इस तरह से अरेंज्ड हैं उसमें, जो आपने यहाँ पे साइड में मैंने लिखा था आपने नोट किया होगा, मुझे आशा है ऐसी। ओके, तो आइए देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा होगा स्टेबल, कौन सा कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इन तीनों में। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, सीधे सीधे है ये। ओके, अब आइए दोस्तों, और इस बेस पर जैसे कार्बन कटायन की स्टेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, ऐसे हम लोग फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। हालांकि इसको हम बहुत अच्छे से हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में देखेंगे आने वाले ग्रुप्स में। अब आइए इसके आगे देखते हैं इसका क्या और एप्लीकेशन है जो काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं दोस्तों। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे। इसके अलावा एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई ग्रुप पे, आगे आप पढ़ेंगे कि माइनस आर ग्रुप पे भी डिपेंड करती है, और प्लस आई और प्लस आर के उल्टा होती है। तभी आप प्लस आर माइनस आर रेजोनेंस इफेक्ट ये सब अभी आप पढ़े नहीं है, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़े नहीं है, तो इसलिए भी आप आई इफेक्ट के अप्रोच वाले क्वेश्चन लेके चलेंगे। आगे हम इससे काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे जिसको बहुत टफ लोग मानते हैं, जो समझना आसान नहीं होता ऐसा लोग कहते हैं, पर कुछ भी कठिन नहीं है। केमिस्ट्री सबसे ईजी है, रिएक्शंस याद करना, तो रिएक्शंस और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये तो ग्रामर है फिलहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इससे बहुत आसान है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एकदम आराम समझिए, मैं आराम समझा रहा हूँ, वीडियो को बार बार घुमा के देखिए, जब तक समझ में आए आप क्वेश्चन कीजिए, हम बताएंगे। ओके ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ पर आइए क्वेश्चन किया जाए। एसिडिक स्ट्रेंथ पर, एसिडिक स्ट्रेंथ पर सबसे पहला ये किस पर डिपेंड करता है? ये माइनस आई डिपेंड करता है और ये वन अपॉन प्लस आई पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सी एस थ्री है, सी एस टू है, सी ओ ओ एच, सी एल सी एस टू सी ओ ओ एच है, एफ सी एस टू सी ओ एच। यहाँ तो क्रम दोस्तों एकदम क्लियर है, माइनस आई पर डिपेंड करता है, माइनस आई पावर आप जानते हैं फ्लोरीन की ज़्यादा है क्लोरीन से, यहाँ तो पूरा प्लस आई ग्रुप है। तो ऐसे केस में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा थर्ड का, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो सबसे ज़्यादा थर्ड का है, फिर सेकंड का है, फिर फर्स्ट का है। वजह क्या है? इसका मोर माइनस आई पावर है, मोर माइनस आई पावर, और यहाँ पे क्या है? प्लस आई पावर है, प्लस आई ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? माइनस आई ग्रुप है, ठीक है, मोर माइनस आई ग्रुप ये भी आई है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए ये आर्डर फॉलो होगा क्योंकि ये माइनस आई पे डिपेंड करता है। ओके ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे। तो सबसे ज़्यादा एनायन कौन स्टेबल होगा अगर आप हाइड्रोजन निकाल देंगे तो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनायन कौन स्टेबल होगा और वो स्टेबिलिटी कौन इंश्योर करेगा? वो माइनस आई करेगा। क्यों करेगा? एनायन पर होता है निगेटिव चार्ज, उसको स्टेबल करने के लिए ये जो माइनस आई ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी पे। सेकंड सी सी एल थ्री सी ओ एच, सी बी आर थ्री सी ओ ओ एच, सी आई थ्री सी ओ ओ एच। अब देखा जाए इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो आपको फिर से देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा माइनस आई कहाँ पर है या सबसे पावरफुल माइनस आई कहाँ पर है, तो इसके आधार पर एक्चुअली किया जाता है। इसलिए अब आप देखिए यहाँ पर सी एल है, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे एफ है, एफ, ठीक है, तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्या होगा, कौन होगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर देखिए सबसे पावरफुल माइनस आई ग्रुप ये एफ है, ठीक है, हालांकि आयोडीन होना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन में है तो आप माइनस आई ग्रुप पे जाइए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड है अगर, तो माइनस आई पावर के बेस पे थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, ये ऑर्डर यहाँ पे फॉलो होगा, क्योंकि माइनस आई ग्रुप जहाँ ज्यादा होते हैं, माइनस आई पावर जहाँ ज्यादा होती है, वहाँ के आधार पे करना होता है। ओके ठीक है,